सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, अमित शर्मा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं स्पेशल न्यूज। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के बीजेपी के उम्मीदवार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल और उनके कई मंत्री भी मौजूद रहे। कई दिनों से बीजेपी में टिकट को लेकर चली माथापच्ची के बाद आखिरकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स के नाम पर मुहर लग गई। माना जा रहा है कि बीजेपी ने अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए वत्स को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। डीपी वत्स राज्यसभा जाने की राह उनकी बहुत आसान दिखाई पड़ रही है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी, नायब सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद डीपी वत्स ने केंद्रीय समिति का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा में हरियाणा से जुड़े मुद्दों को रखेंगे। गांव के आदमी, सैनिक परिवार में जो फेथ पार्टी ने, हाईकमांड ने, लीडरशिप ने हमें दिया है, हम अपनी सामर्थ्य से भी बढ़ के आप सबकी उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। पहले हमारे लिए देश है, फिर समाज है और हरियाणा समाज है। वैसे तो मैं राज्यसभा में जा रहा हूँ जो एक अपर हाउस है और देश को, क्योंकि मैं सैनिक हूँ, 67 ईयर की एज है मेरी, तो मैं गिरावट की बातों में ना पढ़ के जो नेशनल लेवल की और सामाजिक लेवल की बातें हैं उनमें बिजी रहूंगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। वत्स पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगस्त 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। मूल रूप से हिसार जिले के गांव थुराना के रहने वाले डीपी वत्स अगस्त 2011 को हुड्डा सरकार में हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने थे। हरियाणा में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की काफी संख्या है, इसलिए बीजेपी को डीपी वत्स के राज्यसभा जाने से राजनीतिक फायदे की उम्मीद है। वत्स का नाम अंतिम वक्त में चर्चा में आया था। इससे पहले सुधा यादव, रामचंद्र जांगड़ा के नाम को लेकर चर्चा थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने आखिरकार डीपी वत्स के नाम पर मुहर लगाकर उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। चंडीगढ़ से प्रोक्ष चौधरी की रिपोर्ट, एमएचएन न्यूज। वहीं डीपी वत्स को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर हिसार में उनके पैतृक गांव थुराना में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों का कहना है कि शुरू से ही डीपी वत्स होनहार रहे हैं। वहीं जिस स्कूल में डीपी वत्स ने पढ़ाई की थी वहां के बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। तो डीपी वत्स के राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी के बनने के बाद उनके गांव में काफी खुशी का माहौल दिखाई पड़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, सबके चेहरे पर एक खुशी दिखाई पड़ रही है। नामांकन किया है और लगभग उनकी जीत जो है तय मानी जा रही है और ये माना जा रहा है कि राज्यसभा में वो जरूर जाएंगे। तो ऐसे में उनके पैतृक गाँव में किस तरह खुशी मनाई गई, लड्डू खिलाकर एक दूसरे को, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर खुश नजर आए, क्योंकि उनके गाँव से जुड़ा कोई व्यक्ति इस तरह से राज्यसभा पहुँचने वाला है। आपको बता दें कि HPSC के चेयरमैन भी रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में और फिलहाल राज्यसभा का नामांकन दाखिल किया, तो लोगों ने उनके गांव के लड्डू बांटकर खुशी का इजहार भी किया। पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे, ये कहा वत्स ने, और कहीं ना कहीं समाज को एक करने की बात भी कह रहे हैं। पूर्व सैनिक हैं, ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि हरियाणा जहाँ पर बड़ी तादाद में पूर्व सैनिक रहते हैं, यहाँ के लोग सेना में काफ़ी जाते हैं, तो ऐसे में डीपी वत्स को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अपना जनाधार थोड़ा सा मजबूत करना चाह रही है। फिलहाल हिसार के उनके गांव में उनके नामांकन के बाद जो उनके उनके गांव के लोग हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है। मेरे को इससे ज्यादा क्या खुशी होगी, इस गांव का एक बहुत होनहार,
ईमानदार, एक होनहार ईमानदार कर्मठ और सबको साथ लेके चलने वाला एक राज्यसभा का मेंबर बनता है। और मेरे को तो खुशी इतनी हो रही है, वो मेरे को क्या करता, मेरे को भी सरपंच का आशीर्वाद उसी ने दिया था। युवाओं को जब ये पता चला इस बात का कि डीपी वत्स साहब राज्यसभा के मेंबर चुने गए हैं, तो गांव के युवा के अंदर बहुत भारी हर्षोल्लास है, बहुत खुशी के मारे गांव के अंदर लड्डू बांटते फिर रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ वो खड़े हैं साहब के साथ। सब स्कूल से पढ़े, यहीं से मैट्रिक किया था, बड़े इंटेलिजेंट थे, हर क्लास में मॉनिटर करते और कबड्डी अच्छे प्लेयर थे, बड़े अच्छे मिलनसार, किसी मदद करने वाले, गांव के हर काम के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा जी बिल्कुल ईमानदार, शुरू से पढ़ाई में ईमानदार थे, पढ़ने में भी बहुत रुचि रखते थे। पहले दसवीं तक यहाँ गांव में स्कूल में दसवीं करी इन्होंने, फिर ये कॉलेज में चले गए, उसके बाद मेडिकल में इन्होंने कोर्स कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी ताजा तस्वीर कैथल में सामने आई, जहां पर हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम खुद अपनी जान बचाती नजर आई। गांव वालों ने ना सिर्फ पुलिस टीम की गाड़ी में तोड़फोड़ की बल्कि पुलिस अफसरों को भी नहीं बख्शा। लोगों ने ईंट पत्थरों और लाठी डंडों से हमला कर 3 ASI और 1 हेड कांस्टेबल को घायल कर दिया। वहीं पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामले में फौरन एक्शन लेते हुए करीब 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तस्वीरें कैथल के बालू गांव की हैं, जहां पुलिस टीम पर गांव वालों ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस टीम ने किसी तरह अपनी जान बचाई, हालांकि इस हमले में 3 ASI और 1 हेड कांस्टेबल घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 40 से 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि लोगों का गुस्सा पुलिस टीम पर फूट पड़ा और क्यों उन्होंने कानून हाथ में लिया। इन तस्वीरों के पीछे छिपी कहानी बताने से पहले आपको दिखाते हैं किस तरह लोग पुलिसकर्मियों की जान लेने पर उतारू हो गए। पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर, यहां तक कि लाठी डंडों से हमला करने लगे। पड़ताल में मालूम चला कि यह पूरा मामला 2008 में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। इस मामले की जांच के सिलसिले में जब पुलिस की टीम बालू गांव पहुंची और मामले के आरोपी को हिरासत में लेकर जीप में बिठाकर ले जाने लगी, तभी आक्रोशित भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस अफसरों ने अपनी जान बचाने के लिए हवाई फायर भी किए, जिससे भीड़ का गुस्सा और बढ़ गया। पुलिस टीम पर हमले को देखते हुए पुलिस ने फौरन एक्शन, चलिए बात करते हैं हरियाणा में नकल के खेल की। हरियाणा की बोर्ड परीक्षाओं में नकल जारी है। नकल का ये आलम है कि परीक्षा केंद्रों पर जमकर नकल हो रही है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने सोनीपत के 2 परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां पर खुलेआम नकल चलती नजर आई, जिसके बाद दोनों परीक्षा केंद्रों को रद्द कर दिया गया है। आखिर हरियाणा में कब लगेगी नकल पर नकेल, क्योंकि हरियाणा में नकल जारी है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड नकल रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। प्रदेश में फ्लाइंग लगातार परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी कर रही है, इसके बावजूद नकल नहीं रुक रही। बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह लगातार छापेमारी कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने सोनीपत के 2 परीक्षा केंद्रों कुंडली और बुटाना का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था देखी।
दोनों केंद्रों पर नकल चलती नजर आई। बुटाना के केंद्र पर तो चीफ सुपरिटेंडेंट के पास से फोटो स्टेट की मशीन भी मिली जिसे नकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। बोर्ड चेयरमैन ने मामले में गंभीरता को दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। आज हरियाणा बुटाना और बुटाना सीनियर सेकेंडरी जनता सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 सेंटर थे। यहाँ पर पेपर आउट किया हुआ था, तीनों का पेपर कैंसिल कर दिया और तीनों सेंटर को रद्द कर दिया। कुंडली में भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उनके पास जो एडमिट कार्ड है बिना फोटो अटेस्ट किए हुए बैठे हैं और किसी विद्यार्थी ने उसमें सिग्नेचर नहीं किए हुए, इसलिए पूरे स्टाफ को भी सस्पेंड कर दिया और पेपर भी रद्द कर दिया। बोर्ड के चेयरमैन ने बुटाना और कुंडली के परीक्षा केंद्रों को रद्द कर दिया है और पेपर को भी रद्द कर दिया गया। यानी नकल रोकने के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन नकल पर नकेल नहीं लग रही। शुरू में शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के लिए जितने भी दावे किए वो सारे दावे खोखले साबित हुए। नकल की खबरें लगातार आ रही हैं। अगर हरियाणा में इसी तरह नकल चलती रही तो प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ज्यादा गिर जाएगा। भिवानी से दीपक मुड्रेजा की रिपोर्ट, MH1 न्यूज। पंजाब सरकार का एक साल 14 मार्च को पूरा हो रहा है, इसको लेकर सरकार अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने पेश कर रही है। सरकार रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार देकर अपना वादा पूरा करने की बात कर रही है। इसके अलावा VIP कल्चर को खत्म करने से जो खर्च बचा है उसको भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। पंजाब सरकार का एक साल पूरा होने वाला है और सरकार अपने एक साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार के एक साल पर सवाल खड़े कर रही हैं। ऐसे में पंजाब सरकार के मंत्री जनता के बीच जाकर अपने एक साल की उपलब्धियों को बता रहे हैं। एक साल को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। यानी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है और इसका प्रचार भी जोर शोर से हो रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के DAV महिला कॉलेज में पहुंचे और यहां पर उन्होंने छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी जाएं। समस्त उन्नति का आधार जड़ा है वो आत्मनिर्भरता है। मैं तुहानू की कहा, भुखे नूं रजाओ दोबारा भुख लगू, लेकिन किसी नूं नौकरी दे के परंगित कर दिओ वो हजार भुखियां नूं रजाओ। नौकरी जिहड़ी है वो आधार है। साडा सब तो वड्डा मैनीफेस्टो दे विच जिहड़ा वायदा सी कैप्टन साहब का वो जॉब्स का सी, जॉब्स की जनरेशन का सी, और वो तदे संभव है जे इह जी शिक्षा होवे जिहड़ी आत्मनिर्भर करे। इस करके ये तो हले शुरुआत है। आई थिंक वी नीड टू टेक इट टू अनदर लैवल। इंडस्ट्री जिनी आएगी उन्ना जॉब ऑपरचुनिटीज वधनगियां। ऑल द रोरिंग इकोनमीज द वर्ल्ड ओवर हैज डाइग्रेस टूवर्ड्स दी मैनुफैक्चरिंग सैक्टर। उन्ना ही ये बच्चे जड़े ने जड़े आइलैट्स वाल जा रहे हैं, विदेशों जाना चाहते हैं, इन्हों इतें ही रखिए, पंजाब की सेवा करवाइए इन्हों तो। और मानस की जात सब एक है पहचान बोल, औरतों और बंदियों के कोई पक्षपात नहीं है और मेरे हिसाब के नाल पंजाब दे विच औरतां अगे ने बंदियां। पंजाब सरकार अपने एक साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में कहीं भी चूक नहीं कर रही और सरकार के मंत्री इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पंजाब की मदद नहीं कर रही। चंडीगढ़ में 6th विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस के समापन समारोह में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शिरकत की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पंजाब को अपने बलबूते ही खड़ा होना पड़ेगा, केंद्र सरकार पंजाब की मदद करने के लिए तैयार नहीं। जिहड़ी मैनू लगती है एक लीडरशिप की कमी जिहड़ी महसूस हुंदी है पंजाब च, यह सियासी लीडरशिप ही नहीं, यह मैनू एक कमी मैनू पंजाब की एकेडेमिया च भी नजर आती है, यह मीडिया च भी नजर आती है, इथों तक कि परिवारों च भी नजर आती है। पंजाब कांग्रेस के नेता और मंत्री अपनी सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़ा कर रही हैं। नेता विपक्ष सुखपाल खैरा लगातार पंजाब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। रेत खनन को लेकर कई बार वो सरकार पर आरोप लगा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की भूमिका को लेकर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ये मांग की थी सी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी
इनडायरेक्टली उन्होंने खड्डा के उत्ते इलीगल माइनिंग जोड़ा तुम इशू उठाया वो इनवॉल्व ने तो मैं अमरिंदर सिंह ने तो कोई जवाब नहीं दिता अज तक नहीं जवाब दिता उन्होंने चुप्पी धारी हुई है लेकिन मैं पढ़ रहा सीगा कि चरणजीत सिंह चन्नी कहिंदे सीगे कि मेरे ते मैनू माफ़ी मंगनी पवेगी मेरे ते ओह डेफेमेशन का केस करनगे मलकपुर खड्ड विच 4 करोड़ 15 लाख की या किन्ने की बोली लगी सी जिहड़ियां ट्वीट कीतियां उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने वह जो ठेकेदार है वह नाम है कुदरतदीप सिंह जिहड़ा लुधियाने का रहने वाला वा कुदरतदीप एंड हनी अकॉर्डिंग टू मी दे आर बिजनेस पार्टनर्स इसी की तहकीकात मंगना आया लेकिन हनी कौन है तुम्हें मैं दसना चाहना हनी चरणजीत सिंह चन्नी दे साडू का बेटा है सके साडू का कि जोड़ा 4 करोड़ 15 लाख रुपया गया वा खड्डा की नीलामी के वास्ते वो पैसा कितों आया वा वह सोर्स पता लगाना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की नैतिक जिम्मेवारी बन गई है क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया वा। वहीं श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रखा है। सरकार के एक साल के कामकाज पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल लगातार पंजाब सरकार पर हमला कर रहे हैं। कमेटी ने इलेक्शन में पातला में वीडियो पूरे पंजाब देख रहा दुनिया देख रही है दरवाजा बंद करके मोहरा ला रहे हैं पटियाले भी वो कर रहे हैं ते कहते असीं जित गए मैं रगना साहब नूं दस रहे सी जिहड़े पटियाले दे एमसी जितते ना किसी ने अपना बोर्ड नहीं लाया धनबाद का क्योंकि उन्होंने पता कि ठगी ठगी करके जितते हैं जो मुख्यमंत्री का जन्मदिन है उत्थे पंज बंदे भी धनबाद बधाई देने नहीं गए इत्थे हजारां लोग रोस करन वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हजारां लोग रोस करन वास्ते। वही श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता पवन कुमार टीनू ने भी पंजाब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। मनप्रीत बादल नूं चाहिदा कि वह किसानां दे करजे माफ़ी ते आउण। किसान रोज़ खुदकुशियां कर रहा मजदूर रोज़ खुदकुशियां कर रहा गरीबी की हालत आ 25 लाख नौकरी का वादा आ खजाना मंत्री आ पर 2500 रुपया गरीबों को पेंशन देने की गल की सी 51,000 रुपया शगन स्कीम की गल की सी तुसी हर सब डिवीजन ते नवा सरकारी कॉलेज खोलन की गल की सी वो कित्थे गया सारा कुछ। खजाना मंत्री जी होर पासे नूं गल ना ले जाओ अफसरां नूं बेइज्जत ना करो तुसी हुण सरकार अपनी काबिलियत दिखावे लोकी तुहाडे कोलों जिहड़े वायदे कीते सी वह पूरे करदे होए तुहानूं देखना चाहुंदे आ। पंजाब सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी प्रचार कर रही है और अपनी उपलब्धियां बता रही है। श्रोमणी अकाली दल इसको लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल के किसान सेल के अध्यक्ष सिकंदर सिंह मलुका ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोटों से पहले किसानों के सभी कर्ज माफ करने की बात कही थी लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अब पीछे हट रही है और किसान अभी भी खुदकुशी कर रहे हैं। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जलंधर के विषय साडा सी कि 14 तरीक न मानयोग मुख्यमंत्री जी नकोदर किसानों के कर्जा माफ़ी दिट्ठी पत्र वंडन आ रहे हैं। असी कहने कि टोटल किसानों फराड किया जा रहा धोखा किया जा रहा पहला मानसा में वंडे खर्चा 4-5 करोड़ का कर लिया फंक्शन के उत्ते हालत ही किसी का कर्जा माफ़ी का चेक नहीं गया ना किसी के खाते च पैसे गए। दूजी गल सरकार ने कहा कि अपोजिशन से जो इन्ह ने हले राज नहीं आया कि असी सारा कर्जा माफ़ करांगे टोटल जिन्ना बनता है नाल कल्ले किसानों का क्या सी मजदूरों का छड़ता सी असी कहने कि तुसी क्या सी सारा कर्जा माफ़ करांगे तुसी सारा कर्जा माफ़ करो नाल मजदूरों का भी करो भी गरीब ने इदू असी थोड़ा वेलकम करांगे असी कहेंगे चंगा काम किया सरकार ने यह करना चाहिए सी। सो इस करके असी उन्होंने सरकार नूं कह ते दबाव पावांगे मैमरों ने देना मिलके कि तुसी क्या सी सारा कर्जा हुण सारा कर्जा माफ़ करो भजो ना इस गल तो जो वायदा लोगों ने किया उन्होंने पूरा करो। वहीं बीजेपी भी पंजाब सरकार के दावों को लेकर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सापला ने पंजाब सरकार के एक साल के कार्यकाल में युवाओं को रोजगार देने के दावों पर सवाल उठाए। पंजाब विच गैर जिम्मेवाराना मुख्यमंत्री दा रोल जिहड़ा आ उह जरूर निभा रहे ने। इस तों वड्डा झूठ मेरा ख्याल हले तक सरकार ने नहीं बोलिया। इस दे विच इक मैनूं 1,61,000 कह रहे मैं तो कहना 61 बंदे तो लैन के लाइनअप कर दे 61 बंदे ही लाइनअप कर दे जिन्हों उन्होंने रुजगार दिता ये जाने कोझा मजाक है कितने कोई ना ऐसी जी है
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਕੋ ਖੋਖਲਾ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, MH1 ਨਿਊਜ਼। तो मेरे साथ फिलहाल स्पेशल न्यूज में इतना ही। MH1 न्यूज पर लगातार खबरों का सफर जारी है।